बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए थ्योरम्स से मुतल्लिक एक वीडियो लेकर आया हूं। पहले चार चैप्टर्स की वीडियोस कंप्लीट हो चुकी और डिसाइड ये हुआ है कि चूंकि पहले चार चैप्टर्स में से दो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और तीसरा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है, जो कि कंपलसरी भी होता है, वो थ्योरम का है, तो पहले क्यों ना थ्योरम्स को कर लिया जाए और इसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन जो हमने ऑप्शन बनाना है वो बाद में किया जाए। तो इसलिए थ्योरम्स चार चैप्टर करने के बाद थ्योरम्स पहले करेंगे और उसके बाद बाकी काम समेटेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी करने हैं। तो जो थ्योरम के लिए पहला चैप्टर सेलेक्ट किया गया है वो चैप्टर नंबर 9 है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो थ्योरम शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि सर्कल क्या होता है। डायग्राम के अंदर आपको एक सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें एक पॉइंट ओ है। ये पॉइंट ओ सेंटर है और ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो सर्कल की डेफिनेशन सुन लें, द सेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। के एक फिक्स पॉइंट हो, बाकी तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सर्कल कहलाता है। फिर चूंकि अभी अभी चैप्टर के अंदर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल का जिक्र हुआ है, कॉर्ड क्या होती है इसके बारे में भी बताता चलो। अ लाइन सेगमेंट विच टचेस अ सर्कल इंटरनली एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को अंदर से दो पॉइंट पे टच करे वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड्स कहलाता है। अब अगर यही कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से गुजर जाए तो इसी का नाम चेंज हो जाता है, उसको डायामीटर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी डायामीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायामीटर। कि हर डायामीटर को हम कॉर्ड तो कह सकते हैं लेकिन हर एक कॉर्ड डायामीटर नहीं होती, क्योंकि कॉर्ड्स सेंटर में से गुजर जाएं तो डायामीटर बन जाता है। अगर सेंटर में से कोई लाइन सेगमेंट नहीं गुजरता लेकिन सर्कल को इंटरनली टू पॉइंट्स पर टच करता है तो फिर ये कॉर्ड ज़रूर होगी। तो अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा यूनिट नंबर 9 से थ्योरम नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट सुन लें, आपको लिखी हुई नज़र भी आ रही है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, डायग्राम में देखें तो ओ एम जो है ये स्ट्रेट लाइन है जिसको सेंटर से खींचा गया है। ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, वो जो ये जो कॉर्ड ए भी नज़र आ रही है इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है कि ये कॉर्ड डायामीटर नहीं होनी चाहिए। इस परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रान की गई है ओ एम, ये फिर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द कॉर्ड, यानी कॉर्ड पर ये 90 का एंगल बनाती है। अमूमन स्टेटमेंट का पहला हिस्सा गिवन होता है और दूसरा हिस्सा टू प्रूव होता है। तो गिवन के अंदर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड है जो कि पॉइंट एम
जो कि मिड पॉइंट है कार्ड ए बी का, वहाँ आके इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूव ये करना है कि ये इस कार्ड पर 90 का एंगल बनाती है। तो आएं गिवन की तरफ, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। तो हमने इधर डायग्राम के अंदर ए बी कॉर्ड ले लिया, एम उसका मिड पॉइंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यूं भी कह सकते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग कॉर्ड ए बी एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड पहले भी कह सकते हैं। तो एम क्या है? इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। कार्ड का नाम ए बी है और ये कार्ड उस सर्कल की है जिसका सेंटर ए है। अब टू प्रूव क्या करना है, ये जो ओ एम है, ये जो लाइन ड्रा की गई है स्ट्रेट लाइन, ये कार्ड पर परपेंडिकुलर है, यानी ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये प्रूव करना है कि एंगल वन और टू जो हैं ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत, सबसे पहले कॉर्ड ए बी लगा ली सर्कल के अंदर, उस पर ओ एम को ड्रा कर लिया, एम मिड पॉइंट है ए बी का। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें दो ट्राइंगल्स की ज़रूरत है। तो हमने पॉइंट ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ एंड नेम द एंगल्स। और ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनको हमने नाम दे दिए हैं। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, नंबर एक स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे रीजंस होती हैं। तो डायग्राम आप देख रहे हैं, सर्कल के अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ओ ए एम है और दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम है। दोनों ट्राइंगल्स को हम कंग्रेंट करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई तो फिर हम प्रूव भी कर देंगे कि यानी मेजर एंगल वन और मेजर एंगल टू 90 डिग्री के हैं। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम के अंदर, पहली ट्राइंगल ओ ए एम है और दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम है। तो डायग्राम के अंदर ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए बी सर्कल का रेडियस है यानी ओ से लेके ए पॉइंट सर्कल के ऊपर है और पॉइंट बी भी सर्कल के ऊपर है। ओ ए बी इसी सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो दोनों इक्वल हैं। रीजन के अंदर हम कहेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी चीज, चूंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, कॉर्ड ए बी का, तो इसका मतलब है कॉर्ड ए बी को एम दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ए से लेके एम तक का डिस्टेंस और फिर बी से लेके एम तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, इसलिए मेजर ए एम इज इक्वल टू मेजर बी एम। ये ऊपर गिवन था कि उसने कहा था बाइसेक्ट, यानी अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। कार्ड को ये जो लाइन ओ एम खींची गई है, चूंकि कार्ड को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ये गिवन है। तीसरी चीज, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है यानी ये जो लाइन ओ से लेके एम तक खींची गई है, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन भी है, तो मेजर ओ एम इज इक्वल टू मेजर ओ एम, ये कॉमन पॉइंट है। तो हमने पहली ट्राइंगल की एक साइड ओ ए को दूसरी ट्राइंगल की एक साइड ओ बी के इक्वल कर दिया, पहली ट्राइंगल का ए से लेके एम तक का डिस्टेंस दूसरी ट्राइंगल के बी से लेके एम तक के डिस्टेंस के इक्वल हो गया, और तीसरी साइड जो ओ एम है ओ एम के इक्वल है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स की। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल हो गई हैं। जब ऐसा हो तो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो जाती हैं। सो ट्राइंगल ओ ए एम कंग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ एम के, और
क्या बनेगा, स्टेटमेंट क्या बनेगी, रीजन क्या बनेगी, पोस्टुलेट क्या होगा, साइड 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 कंग्रेंट टू साइड साइड साइड। पोस्टुलेट सुन ले, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड एस 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 पोस्टुलेट। यानी थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल कंग्रेंट टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। तो यहां ऐसा ही हुआ है, पहली जो ट्राइंगल है OAM उसकी तीनों साइड्स, दूसरी ट्राइंगल BOM की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हैं। अब हमारी ज़रूरत क्या है, जब दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हैं तो मैयर एंगल वन जो पहली ट्राइंगल OAM के अंदर है वो इक्वल है मैयर एंगल टू के जो दूसरी ट्राइंगल OBM के अंदर है। तो रीजंस के अंदर क्या लिखा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये रीजन बुक पर गलत लिखी हुई है, एंगल्स नहीं वहां लिखा हुआ, साइड्स लिखी हुई हैं। इसलिए जो बच्चे बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो ये जो थ्योरम नंबर टू है यूनिट नंबर 9 का, साइड्स की जगह ये एंगल्स लिख लें, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। अब चूंकि मैयर एंगल वन और टू दोनों इक्वल हैं और मैयर एंगल डायग्राम में देखें मैयर एंगल वन और टू को प्लस करें तो ये स्ट्रेट लाइन यानी जो हमारी कॉर्ड है ए बी उसके ऊपर दोनों बनते हैं, दोनों को प्लस करें तो फिर मैयर एंगल ए एम बी बनता है यानी 180 डिग्री। ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए, अगर दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 180 डिग्री आए तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल वन और टू इक्वल हैं, दूसरी तरफ दोनों को सम करें तो 180 आया है, 180 को भी फिर टू पे डिवाइड कर दें, जब टू पे डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाता है। इसका मतलब हुआ मैयर एंगल वन भी 90 डिग्री है और मैयर एंगल टू भी 90 डिग्री है। जब दोनों 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब है वो जो लाइन ड्रान OM है वो AB पर दोनों तरफ 90 का एंगल बनाती है यानी परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2 के है। मैयर एंगल जब इक्वल का मतलब है कि ये जो एंगल टोटल बना है 180 इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज OM इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और यही हमारा प्रूफ था कि ये जो सेंटर से लाइन खींची गई है जो कार्ड पर पॉइंट एम पर जो कि पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है आके इंटरसेक्ट करती है तो ये कार्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आइंदा मिलेंगे अगले थ्योरम के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।